अभी हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल फर्स्ट ऑफ ऑल देखने के लिए यहाँ से। तो फ्रेंड्स, जब आप जाते हो नीर वाटरफॉल पे तो बीच में ये एक चेक पॉइंट पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये है नीर वाटरफॉल, अभी हमें क्लाइंब करना है। रेस्टोरेंट ऋषिकेश का, चोटी वाला रेस्टोरेंट, हम वहाँ पर अपना लंच करने के लिए आए हैं। क्योंकि शाम को जो आरती होती है ना, वो देखने लायक होती है यार, उसका व्यू एक अलग ही आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉलोमन दिस साइड, वेलकम बैक टू एक और न्यू वीडियो के साथ में फ्रॉम ऋषिकेश। और आज हमारा सेकेंड डे ऋषिकेश में, और आज मैं और एक सोलो ट्रैवलर और अजित भैया हैं, वो जो वो है जयपुर से, वो और मैं जा रहे हैं आज घूमने के लिए, सेकेंड डे अपना एक्सप्लोर करने के लिए है। क्योंकि आज रात को मेरी मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए, तो सिर्फ आज का दिन है मेरे पास में, तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज सेकेंड डे को। और आज हम जा रहे हैं कुछ वाटरफॉल्स देखने के लिए, कुछ माउंटेन्स हैं वो देखने जा रहे हैं हम। प्लान तो किया है, देखिए क्या क्या होता है। हमने स्कूटी हायर करी है, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो घूमने के लिए तो आपको स्कूटी हायर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वाटरफॉल्स और जो कुछ माउंटेन्स हैं वो आप देख पाओगे। जो नियर बाई प्लेसेस है वो तो आप ऑटो से घूम सकते हो, बट जो प्लेसेस है दूर दूर उसके लिए आपको स्कूटी हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय टैक्सी तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आप स्कूटी हायर कर लीजिए। और अगर हम बात करें प्राइस की, तो स्कूटी का प्राइस है 500 रुपीज़ फॉर वन डे। आप मॉर्निंग में स्कूटी ले लीजिए 8-9 बजे के आसपास में, और शाम को 8-9 बजे के आसपास आप इनको रिटर्न कर दीजिए। सो 12 घंटे मिलेंगे आपको, 12 घंटे में आप अपने इजीली पूरा कवर कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, अपना एंजॉय कर सकते हो। दो लोग आइए और अपना डिवाइड कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए जो भी अमाउंट आएगा। बाकी वो अरे आदित्य भैया, हमने स्कूटी ले ली है, अब चलते हैं। सो आज मैं और आदित्य भैया जा रहे हैं, ये सोलो ट्रैवलर है। सो हमने स्कूटी हायर करी है, सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो स्कूटी तो आपको हायर करनी पड़ेगी, बिना उसके तो आप घूम नहीं सकते। तो आप स्कूटी हायर कर लीजिएगा और एक्सप्लोर कर लीजिएगा पूरे। सो हम निकलते हैं यहाँ से, अभी हम कहाँ जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? नीर वाटरफॉल। अभी हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल फर्स्ट ऑफ ऑल देखने के लिए, यहाँ से पता नहीं कितनी दूर है, हम गूगल मैप खोलेंगे फिर देखते हैं। तो अभी हम हॉस्टल से निकले हैं, शालोम हॉस्टल से, तो देखते हैं अभी तो कितना 10 बज चुके हैं, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं जर्नी को। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. फ्रेंड्स, जब आप जाते हो नीर वाटरफॉल पे तो बीच में ये एक चेक पॉइंट पड़ता है, तो यहाँ से क्रॉस करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा यहाँ से, टिकट काउंटर से। और जो टिकट है वो है इंडियन के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन, और फॉरेनर्स के लिए है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और बच्चों के लिए है 20 रुपये। सो बड़ों के लिए 30 रुपये इंडियन, बच्चों के लिए 20 रुपये, और फॉरेनर के लिए 50 रुपये। और टिकट कुछ इस प्रकार का टिकट है, एक बंदे का 30 रुपये, हम दो लोग हैं तो 60 रुपये पे कर दिए हैं, अब इस चेक पॉइंट को पार करेंगे। सो फ्रेंड्स, चेक पॉइंट पास कर लिया है, अब जा रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है नीर वाटरफॉल, तो मिलते हैं वहाँ पे। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं नीर वाटरफॉल,
और ये है पार्किंग एरिया, आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ व्हीकल पार्क कर सकते हो। यहाँ कुछ शॉप्स हैं छोटी मोटी खाने पीने के लिए, और वो है वाटरफॉल, नीर वाटरफॉल, वहाँ जाना पड़ेगा हमें, अभी चढ़ना पड़ेगा ऊपर, पूछते हैं रास्ता कहाँ से है, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है नीर वाटरफॉल, अभी हमें क्लाइम करना है ऊपर और देखते हैं। बाकी मेरे हॉस्टल से यहाँ तक पहुँचने में लगी हमें 20-25 मिनट के आसपास में, बीच में रुके भी थे जूस पीने के लिए, तो डिस्टेंस है 4.5 किलोमीटर मेन हॉस्टल से, और टाइम लगेगा वही 20 मिनट के आसपास, तो आप स्कूटी हायर कर लीजिए और यहाँ पर आप आ सकते हो आराम से। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं ऊपर और रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और रास्ता गीला ही होता है ना, पानी पानी हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान चलना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नीर वाटरफॉल पे, और आप देख सकते हैं नीर वाटरफॉल कितना खूबसूरत है यार, कितना ब्यूटीफुल है, कितना मस्त लग रहा है दिखने में। और यहां पे आप नहा भी सकते हो अगर आप चाहो तो, लोग नहा रहे हैं, तो अगर आप आ रहे हो तो अपने साथ कपड़े टॉवल लेके आए और आप यहाँ पर नहा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये है नीर वाटरफॉल, देखिए, और जो लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हो तो आके नहा सकते हो, बट अपने साथ क्लोथ और टॉवल जरूर लेके आए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पानी का भाव बहुत तेज़ है ना, तो आवाज़ पता नहीं मुझे, बट अगर हम बात करें इस प्लेस की, माइंड ब्लोइंग प्लेस है, आप यहाँ पे आके इन्जॉय करेंगे, आप यहाँ पे आके मैगी का मज़ा ले सकते हो, खा भी सकते हो, ऊपर स्टॉल्स है मैगी के लिए, वो खा सकते हो, और पहाड़ों में अगर मैगी नहीं खाई फिर क्या खाया आपने। तो आइए ज़रूर, थोड़ा दूर है बट प्लेस माइंड ब्लोइंग है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कपड़े नहीं मिलते रेंट पे, तो कपड़े घर से लेके आइए अगर आपको नहाना है वाटरफॉल के अंदर में। हम लेके नहीं आए इसलिए नहा भी नहीं रहे, बट कोई नहीं, इन्जॉय तो किया है पूरा। बाकी वाटरफॉल बहुत तेज है और जो रॉक्स है अच्छे खासे है, तो आप भी आइए इन्जॉय कीजिए। बट अगर बात करें प्लेस की, तो प्लेस माइंड ब्लोइंग है, थोड़ा दूर है मेन रूट अपने मेन हॉस्टल से, बट फिर भी ओके है, वर्थ इट है, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ जरूर आए। इसके ऊपर भी एक और पॉइंट है, अगर आप जा सकते हो तो जाइए, अदरवाइज़ ये भी बहुत काफ़ी है, अच्छा है, और यहाँ पे आके आप कॉफ़ी का पी सकते हो, मैगी खा सकते हो, और पहाड़ों में मैगी खाना बनता ही है बिल्कुल। बाकी अगर बात करें वाटरफॉल की, वाटरफॉल मस्त है, अगर आपको नहाना है वाटरफॉल के अंदर तो कपड़े अपने साथ में लेके आए, क्योंकि यहाँ कपड़े मिलते नहीं रेंट पे, मसूर में थे क्या रेंट पे कपड़े मिलते थे, बट यहाँ पे नहीं मिलते, कोई शॉप नहीं कपड़ों की, इसलिए आप कपड़े अपने साथ लेके आए और नहा के चेंज करके आप घर जा सकते हो। चेंजिंग रूम यहाँ पे है एक, तो वहाँ चेंज कर सकते हो, बट कपड़े नहीं मिलते, तो यहाँ पे आइए इंजॉय कीजिए और टाइम स्पेंड कीजिए, वर्थ इट प्लेस है। बाकी बस क्या इंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मैगी खा ली है, चाय पी ली है और घूम फिर लिया है, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं थोड़ा बाहर निकलते हैं फिर मैं बताऊंगा आपको। बाकी ओवरऑल एंजॉय मस्त था, आप भी आइए एंजॉय कीजिए, बहुत सारे यहाँ पे कपल्स भी हैं,
तो अगर आप कपल में आ गए तो कोई इशू नहीं है, आप आइए, अच्छा लगेगा आपको। बाकी टाइम हो गया 12:10, तो निकलता हूँ यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर भी है इसका, वाटरफॉल जहाँ से आ रहा है, अगर आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो ऊपर, बट हम जा नहीं रहे हैं, हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, पर आप चाहो तो आप ऊपर जा सकते हो। हम आ गए नीचे नील वाटरफॉल से, हमने स्पेंड किया अराउंड 1 घंटा ऊपर, आप चाहो तो जितना भी स्पेंड कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, बाकी इन्जॉय करने के लिए काफ़ी है। ऊपर जाने के लिए भी और रास्ते हैं, मतलब कि इसके ऊपर का भी एक पोर्शन और है, पर ऊपर गए नहीं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और हम कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट? अब भूतनाथ टेम्पल या भूतेश्वर आश्रम। ओके, आश्रम या भूतनाथ टेम्पल को एक सेलेक्ट करते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ से मिलते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, अपनी स्कूटी लेते हैं और चलते हैं। बाकी अगर बात करें स्पॉट्स की तो माइंड ब्लोइंग है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग के लिए फैसिलिटी अच्छी खासी है, आपको पीछे पार्किंग मिल जाएगी, अपने गाड़ी पार्क कर सकते हो पीछे, और सेफ है, कोई इशू नहीं है। बाकी वाटरफॉल यहाँ का पानी इतना क्रिस्टल पानी है, इतना साफ पानी है, पूछो मत यार, इतना ठंडा पानी और इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है, मज़ा आ गया देख के। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए भूतनाथ टेंपल, और यहाँ से दिखा रहा है 6 किलोमीटर के आसपास, और टाइम लगेगा तकरीबन 20 मिनट के आसपास बाय 2-व्हीलर स्कूटी। सो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और मिलते हैं भूतनाथ टेंपल पे। फ्रेंड्स, वी हैव रीच भूतनाथ टेम्पल, अब हम जा रहे हैं भूतनाथ टेम्पल ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर चढ़ाई है, दो रास्ते हैं चढ़ने के लिए ऊपर, एक चढ़ाई ये प्लेन वाला और आगे से रास्ता है वो है सीढ़ियों वाला, तो दोनों बराबर में ही है, चॉइस आपकी है। हम जा रहे हैं प्लेन रास्ते से, बट यहाँ पर चढ़ाई है। बाकी अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो गाड़ी पीछे आप पार्क कर सकते हो, ओपन वैसे पार्किंग तो नहीं है, रोड में खिड़कनी पड़ेगी, बट कहते सेफ है। यहाँ से मंदिर दर्शन ऊपर जाना Thank you.
फ्रेंड्स अभी हम ऊपर आ गए भूतनी टेम्पल पे, और यहाँ से अगर बात करें व्यू की, व्यू इट्स माइंड ब्लोइंग। और अगर आप हिंदुज़म को फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो, एंड इफ़ यू फॉलो एनी अदर रिलीजन सो काइंडली रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड जस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल्स। एंड एक बात तो है, चाहे कोई भी रिलीजन प्लेस हो, वहाँ पे आके एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है, वो आप हर प्लेस पे महसूस करोगे, चाहे आप कोई भी कास्ट क्यों ना हो, कोई धर्म क्यों ना हो। क्योंकि टेम्पल्स रिलीजियस प्लेस पे कोई कास्ट कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत होनी चाहिए। व्हाट आई फील व्हाट आई फॉलो एंड आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन यू ऑल्सो डू इट। सो प्लेस माइंड ब्लोइंग है। अभी ये टॉप फ्लोर नहीं है, इसके ऊपर भी फोर्थ फ्लोर और है ऊपर क्लाइंब करने के लिए, वहाँ से आएगा मेन व्यू। तो चलते हैं ऊपर, सीधे सकते हो ऊपर फोर मंजिल और है, तो चलते हैं ऊपर। सो अभी हम जा रहे हैं ऊपर टॉप फ्लोर पे, चार मंजिल और है, उसको कवर करने के बाद हम होंगे टॉप फ्लोर पे। सो चलते हैं। यहाँ सीढ़ियाँ बहुत चलने के लिए, बट वैसे बाहर गर्मी हो रही है, बट यहाँ पे आने के बाद आपको एक ठंडक एहसास होगा, हवा में ठंडक है, नमी में ठंडक है, कुछ तो है, बट यहाँ पे आने के बाद एक ठंड सी लग रही है। और व्यू तो माइंड ब्लोइंग है, शांति बहुत है। तो अगर आप भी ऋषिकेश में हो तो एक बार आइए भूतनाथ टेम्पल और इसको एक्सप्लोर कीजिए। मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस टेम्पल के बारे में, हिस्ट्री क्या है, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग विजिटिंग, एंड जो एहसास है उसको मैं कर रहा हूँ। बाकी मुझे पढ़ना पड़ेगा गूगल पे इसकी हिस्ट्री के बारे में। सो फ्रेंड्स हम टॉप पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे टेम्पल के अंदर आप दर्शन कर सकते हो। मैं अंदर कैमरा नहीं ले जा रहा, बिकॉज वो एक दर्शन करने जगह है, तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं हो, मैं नहीं करता रिकॉर्डिंग, वो मेरा प्रोटोकॉल है। मैं बाहर का रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अंदर में रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि वो एक प्रे करने की जगह है, तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होना चाहिए, मैं तो नहीं करता, बाकी आपके विषय। बाकी अगर बात करें व्यू की, व्यू इज़ माइंड ब्लोइंग, अच्छा लग रहा है। एंड फ्रेंड ये है व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द भूतनाथ टेम्पल, जस्ट लुक एट द व्यू, क्या माइंड ब्लोइंग है। और ये हमारे आर्यन भाई सेल्फी ले रहे हैं। एंड फ्रेंड्स ये हमारा जानकी सेतु, आई डोंट नो कैमरा वो क्लियरिटी ले पा रहा नहीं ले पा रहा, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू, माइंड ब्लोइंग। और जो ये रिवर जा रही है, आप यहाँ पे राफ्टिंग भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स भूतनाथ टेम्पल के टॉप से ये है ऋषिकेश का व्यू, क्या माइंड ब्लोइंग लगता है यार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने घूम लिया है फ्रेंड्स भूतनाथ टेम्पल, ऊपर से व्यू माइंड ब्लोइंग था, आप भी आइएगा अगर आप आ रहे हो तो। अब हम जा रहे हैं, सो अब फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं जानकी सेतु घूमने के लिए, वो जूह टाइप का है, पर हम देखने जा रहे हैं कि पास में ही है, तो देखेंगे उसको, फिर उसके बाद लंच करेंगे, 1:30 बजने वाला है, तो अब चलते हैं यहाँ से जानकी सेतु देखने के लिए, उसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद प्लान करते हैं कहीं और जाने का। सो निकलते हैं यहाँ से, बाकी जगह मस्त है, आप भी आइएगा। आपको चढ़ना पड़ेगा थोड़ा ऊपर, 5-6 फ्लोर है, उसके बाद आप दर्शन भी कर सकते हो अपने, और ऊपर से जो व्यू आता है ऋषिकेश का वो माइंड ब्लोइंग आता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो घूमने आइए, अच्छा है। Yeah.
फ्रेंड्स ये है जानकी सेतु, माइंड ब्लोइंग। सो फ्रेंड्स ये है जानकी सेतु जिसमें भी जा रहे हैं। अब तो लोग पुल बोलते हैं बट उस टाइम सेतु ही बोलते थे, तो उसके नाम पे ये जानकी सेतु। और अच्छा है काफ़ी, अगर आप यहाँ पे आप पैदल आओगे ना तो वो आपके लिए बेस्ट है। शाम को वॉक करो वहाँ पे आके, इवनिंग में खासकर ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं राम जानकी सेतु पे, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जानकी सेतु। अब तो लोग पुल बोलते हैं, अगर आप डालोगे मैप पे तो जानकी ब्रिज के नाम से आएगा, बट उस टाइम पे सेतु ही बोलते थे तो उसके लिए हम बोलते हैं जानकी सेतु। बट अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो जानकी ब्रिज के नाम से आएगा। अगर बात करें व्यू की, व्यू इज़ माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे आप चलो वॉकिंग करो पैदल में तो वो आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप इवनिंग में आ रहे हो तो इवनिंग में यहाँ का नज़ारा और भी माइंड ब्लोइंग होता है। सो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं, अब दोपहर के बज गए 2:40, 3 बजने वाले हैं मैक्सिमम, और अभी हमें लग गई है भूख, तो अभी हम आए लंच करने के लिए। और हम लंच करने आए हैं यहाँ के फेमस जो रेस्टोरेंट है ऋषिकेश का, चोटी वाला रेस्टोरेंट, हम वहाँ पर अपना लंच करने के लिए आए हैं। सोचा कि ये आए इतना खर्चा हो गया, थोड़ा वो खर्चा हो सही कुछ यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं। तो हम अभी आए हैं चोटी वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। इनके दो रेस्टोरेंट हैं अगल बगल में, दोनों सेम ही हैं तो आप किसी में भी आ सकते हो। प्लस इनका एक है लाउंज है, एसी लाउंज जो ऊपर जिसमें भी हम बैठे हुए हैं, और एक है नॉन एसी जो नीचे हैं। तो अगर आपको एसी लाउंज में आना तो आप ऊपर आ जाइए, अदरवाइज़ आप नीचे भी खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्राइस का डिफरेंस है कि नहीं ये तो मुझे बाद में ही पता चलेगा, आई थिंक होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हम बात करें प्राइस के खाने की तो प्राइसेस थोड़ा सा हाई है ये मैं कह सकता हूँ, बट रेस्टोरेंट फेमस है ऋषिकेश का, बहुत नाम है और स्टैंडर्ड भी है, तो ऑब्वियसली महंगा तो हो गई, बट इट्स ओके। वन टाइम ट्राई करने आए हम, तो टेस्ट करते हैं फूड कैसा है। अगर बात पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी और जो टेस्ट की बात देखेंगे कैसा आए। तो अभी हम वेट कर रहे अपने खाने का, हमने ऑर्डर कर दिया है और हमारा फूड आएगा तो देखते हैं। बाकी अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की और जो यहाँ का लोकेशन है, तो लोकेशन ठीक ठाक है, नीचे भी ठीक ठाक है, ऊपर भी थोड़ा खाली है एसी वाले में, तो हम ऊपर आए हैं। बाकी व्यूज़ तो अच्छे ही है, ठीक ठाक है। अगर आप भी आ रहे हो तब ट्राई कर सकते हो वेटिंग फॉर फूड, जिसे आता है हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का यहाँ का डाइनिंग सिस्टम है, आप देख सकते हो। और यारन भाई क्या क्या ऑर्डर करा है, नाम भूल गया, तवा पनीर अमृतसरी हमने ऑर्डर करा है, ये हमारा तवा पनीर अमृतसरी, और रोटी ऑर्डर करी है हमने तवा रोटी। प्राइस का तो कोई नहीं, पहले खा लेते हैं फिर बताएंगे बाद में प्राइस कितना है, टेस्ट करते हैं टेस्ट कैसा है। और डाइनिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, बात करें खाने की फूड टेस्ट की फूड की, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट है, और स्पाइसी भी मीडियम है, ठीक है आप खा सकते हो, और टेस्ट बहुत अच्छा है, रोटी भी सॉफ्ट है, तो ओवरऑल फूड तो अच्छा है।
क्वांटिटी तो ठीक ही है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब मैं अपने लंच करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, हमने खाना खा लिया है, हमारा बिल आया अराउंड 700 रुपीज़ के आसपास में। ठीक है, महंगा तो है, ये तो गारंटी महंगा तो है खाना, बट ठीक है, ओवरऑल वन टाइम एक्सपीरियंस था, कोई नहीं। अब निकलते हैं यहाँ से, बाकी वन टाइम विजिट तो है ही, क्योंकि बहुत फेमस है यहाँ पे, लोग कहते हैं अगर रशीद आ रहे हो खाना खाना चोटी वाले पे, तो हम आ गए, खाना खा लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। समय हो रहा है 4 बजे, शाम के 4:20, और अब हम जा रहे हैं, पास में घाट है, वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ा बैठेंगे और इवनिंग को एंजॉय करेंगे, क्योंकि शाम के टाइम में बैठना है घाट पे बहुत मज़ा आता है। हमारा अन भाई जा रहा है गाड़ी, सुबह से गाड़ी जा रहे हैं, थक गए होंगे इसमें मज़ा आता है, लेकिन मज़ा भी आता है, पहाड़ों में चलाना एक अलग ही एडवेंचर है, मज़ा है। तो शाम हो गई है, माहौल बहुत अच्छा हो रहा है, हवा में ठंडकपन आ गया है, तो अब चलते हैं, बैठेंगे घाट पे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, हम आज शाम की वजह 4:30 हम आ चुके हैं घाट के पास। शाम का टाइम घाट के पास बैठना बहुत आनंद आता है, कल भी हम गए थे, आज भी आए हैं, प्लस अभी हमने कुछ ऑर्डर किया है पीने के लिए, ओरियो शेक, वो थोड़ा आ जाए, वो थोड़ा पी ले, उसके बाद घाट को करेंगे एक्सप्लोर। तो वेट करते हैं ओरियो का, आर्यन बनवा रहा है तो वो पीते हैं, गला सूख गया है, उसके बाद करेंगे एक्सप्लोर घाट को। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए घाट पे, और अभी से तो घाट शाम का टाइम है, घाट पे आ रखे हैं, हाथ में ओरियो शेक, कॉस्ट 100 रुपीज़, ठीक है, इस कॉस्ट का ज़्यादा है, ठीक है, कह रहे हैं कल पैसा कितने का था, 150 रुपये का 170 कल था, 170 रुपीज़ का, यहाँ थोड़ा सस्ता है, 100 रुपये का, ठीक है, और उससे बहुत बेटर, अच्छा है, उससे अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। बाकी बात करें घाट की, शाम का टाइम है, बहुत प्यारा लग रहा है, दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और जस्ट लुक एट द सनसेट, कितना खूबसूरत लग रहा है सनसेट। तो फ्रेंड्स, लुक एट, कितना खूबसूरत दिख रहा है, वाकई में यार ऋषिकेश बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पे इतनी सारी जगह है घूमने के लिए ऋषिकेश के अंदर। हम सुबह से घूम रहे हैं और इतना अच्छा लगा घूम के, बोर नहीं हुए अभी तक, और शाम के टाइम में घूमने के बाद इस घाट पे आ जाओ, शाम का टाइम हो, घाट हो, सनसेट है, कितना खूबसूरत दिख रहा है,
बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया 5:10 शाम के, और अभी मैं गंगा घाट पे, और अब यहाँ पे जो शाम की आरती होती है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें शायद दिखाया था मैंने गंगा आरती, वो हमने थोड़ी दूर से ली थी। तो अभी मेरा फ्रेंड आर्यन कह रहा है कि उसको देखें दोबारा से, तो चलते हैं और आज ट्राई करेंगे कि आज पास से कैप्चर किया जाए उस आरती को, क्योंकि शाम को जो आरती होती है ना वो देखने लायक होती है यार, उसका व्यू एक अलग ही आता है। तो बस आर्यन आता है फिर चलते हैं देखने के लिए, ये सब लोग वहीं जा रहे हैं आरती देखने के लिए लाइन से, तो हम भी चलते हैं, बस उनका आ जाए आर्यन। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे 6:30 और आरती ख़त्म हो चुकी है। अब मेरी ट्रेन है रात को, सॉरी मेरी बस है रात को 11 बजे। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। कोई कमेंट्स हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टा पे आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।